बीते दिन मजदूरों के वालों एक थोड़ा जा जिस जगह असी खड़े हैं मेन रोड के उपर एक धरना लगाया गया से, क्योंकि उत्थे भी जो तुम जे सी बी खड़ी देख रहे हो उत्थे भी ये चली सी, और दूजे पासे जेकर दरिया जो नजायज़ माइनिंग चल रही है तो उत्थे भी ये चलती है। यानी कि सीधे शब्दों जे कही भी जिथे नुकसान होना आता तो उत्थे यही पीला पंजा चलता, जे कोठियां दी मकानां दी गल होवे चाहे ड्रेनां दी गल होवे ते चाहे फिर कोई होर मामले होण जिहड़े कि किसी के हाथ दे विच नहीं होंदे, जिदा कि नहीं टाया जा सकदा, तां इह पंजा उत्थे जरूर चलता है। और जे लोग परेशान ने यह भी खड़े आ इस तो पीड़ित आ कि इत्थे चलना नहीं चाहिए, गल करांगे कारण की आ। हाँ जी, सब तो पहला सवाल यही है कि तुम इतने रोस वजों खड़े हो, अज क्यों मंग क्यों कर दो कि चलना क्यों नहीं चाहिए, नुकसान की है इसका? इसका नुकसान जी ये तलवण तो चलती पी है ट्रेन बरसाती नाला एक किस्म का, यह रस्ते कित नहीं हैगी, जिथे जाके पिंड लोहगढ़ समाप्त हो जाती है उत्थे ये पैनी चाहिए दरिया के, इसका पानी बरसात का दरिया के जाना चाहिए, जदों के दरिया लैवल उतों उच्चा वा यह दरिया तो 2 किलोमीटर पिछे रुक जाती है, उत्थे किसानां दीआं जमीनां वा ये जदों जि ये पानी सारा इकट्ठा हो गया इलाके का वो लोहगढ़ विच जांदा ना उत्थे तकरीबन ये प्रभाव पा के 3-4 पिंडां दे किसानां नूं खराब करता पिया पानी। ये किन्नी कु है जो कह सकदे कि अंदरों मिट्टी कट लई और किन्ना कु काम है जो बाकी पिया है? बाकी हुण आ समैलपुर आ गए आ, उत्थों चल के पिछों मेरा हाल तलवण तों तुरदी पई है, तो इतों हूँ गाड़ी आदरामान आदरामान तो गाड़ी लोहगढ़ काम तो थोड़ा रह गया गाड़ी। जो तुम इतने पहुंचे हो तो पहुंचने से रोकी गई सके पहले इतने रोकी? नहीं, असी आण के रुकाई है जी, आण के रुकाई है। हाँ जी बिल्कुल जी। होर वीर भी साढ़े नाल वीर जी, नुकसान है ना ये दस्या कि नुकसान बहुत ज़्यादा कि रुख दरख्त भी होने गए इतने पट्टे गए भाजी, जो जिथे का आप वातावरण की गल की जाए जिथे का आप बूटा पालते हैं बड़ा टाइम लगता उत्थे 2-3 मिनट लाइन बूटे पट पट के तबाह करी जाती है। ठीक है, जिथे क आ पहला असी साड़ी सुरत दे विच कदी भी नहीं देखिया कि जिथे कि मशीनीकरण होवे, असी कहिंदे जिहड़ा ये काम आ ये मजदूर करदे सी मजदूरां नूं दित्ता जावे, जिहड़ा अगे लोहगढ़ तों अगे जाके किसानां दी तबाही होणी उहदे बारे सरकार नूं डिसीजन लैणा चाहीदा, क्योंकि उहदा जे कोई निकास करना आ उहदा पहला निकास दा कोई RGA डायरैक्ट बैठे उहदा बणावे, इहनां लोकां दे जिहड़े छोटे छोटे किसान आ 2-3 किल्यां वाले उन्हां दी तबाही हो रही है, इस ते सरकार नूं विचार करनी चाहिए आ, उस तो बाद सरकार नूं कोई डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो इस प्रोजेक्ट नूं बंद करना चाहिए। फिलहाल जो जो आ किसान भरा जिन्ने खड़े आ इन्हां दीआं दुख दे कारण इत्थे आए, इन्हां नूं शौक नहीं कि झोना बीज हो रहा खातियां दे विच लेबरां लगियां होईआं आ कि अपने काम नूं छड्ड के आउण, इन्हां दे कोई मन दा शौक नहीं, बड़े दुख की गल बलूंदे पैर दे। प्रशासन दे नाल हुण तक गलबात होई है कोई? प्रशासन दे नाल जिन्ने साडे किसान भरा आ ये तालमेल कर रहा है, अगर प्रशासन ने मेरे हिसाब ना इन्हां दी नहीं सुनी कोई तो इन्हां नूं आखरी अपने तौर पर अपना स्टैप लेना पिया, इसका करके अभी सरकार फिर बेनती करते हैं कि इतने विचार तो वटांदरा किया जाए। हाँ देखो भी जो इतने मजदूरों ने धरना लाया से तो बहुत सारे कह रहे थे कदों ट्रेन पुटी गई तो मजदूरों ने पुटी से, तो अज इतने एक बहुत वड्डी JCB लगी गई है, इस बारे की कहना चाहोगे? सर ये तो आप कहने मशीनीकरण तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेबर का काम है, लेबर सफाई करनी घा ही है, वो लेबर खो सकती है, होर जो कोई डूंगा करन दा तो कोई चक्कर नहीं। ठीक आ, ये बरसात का पानी झलन ली आ, जे डूंगा करांगे लोगों के अगों प्रैशर ना पानी बदना आ पिछे आना आ पिछे चाई आ इधर तराई आ इधर तराई तुरी जानी तो लोगों के घर का नुकसान होना आ, वो जो किसान भरा साढ़े सच पिटदे आ तो उन्होंने नाल मजदूर भी खड़नगे भाजी। बिल्कुल जी, कितने कितने दर्द जरूर है, काम का टाइम है, पर फिर भी किसान भी इतने इकट्ठे हुए हैं, तुम भी अज इतने मौजूद आए हो, तकरीबन गल सारी सुन ली है, तुम की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा भी जदों पिछों ये तलबण तो चल के तो किन्ने पिंडा दा पानी सिर्फ मीह दा ही पानी आ, जे सारे खेतों च मीह तो सारे जदों पैंदा कट्ठा ही पैंदा, इहदा जिहड़ा कट्ठा हो के जदों एक थां ते जाके खलो गया तो उत्थे दे 40-50 किले जिहड़े जमीन आ उह सारी घर भी आ उहदे विच आउंदे उह भी सब तबाह हुंदे आ, ते उत्थे 2-2 महीने पानी नहीं सुकदा, इधरला सारा इकट्ठा हो के इत्थों दा तो निकास हो जूगा तो साडे उत्थों कित्थे होऊगा? इस बारे कोई पता नहीं, सानू तो अज ही पता लगा भी इस तरह पिछों सफाई करते आए तो अहीं इत्थे आए हां। ठेका सानू साडी सुनवाई कोई? ठेके का सबनों पता आ किन्ने चक्के आ, और सिर्फ लोग डरते आ सरकार तो, अजे इत्थे पहुंचे हो मसला सारे दस रहे हैं, की लगता कितने कितने प्रशासन तक गल नहीं पहुँच रही, की लगता कि लोगों का जो उजाड़ा करना जरूरी है? ये भाजी जो हो रहा बहुत माड़ा हो रहा वा, कि लोहगढ़ तो अगे जाके तो खत्म हो जाती है,
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੈਲੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਣਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਪਾੜਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੇਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਵਰਤੋਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਇਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜੀ ਘੱਟ ਘਰ ਵੀ ਢੱਠਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੇਨ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ NNR ਨਿਊਜ਼, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ।